फिर चलते हैं सीएम अशोक गहलोत की बैठक में, जहां पर वो इस वक्त लंपी वायरस की रोकथाम को लेकर बातचीत कर रहे हैं। की बात बताई गई, कुछ ब्लॉक ऐसे भी होंगे जहां बहुत ज्यादा स्थिति खराब है, वहां आप लोग खुद पैम्पलेट अपना खुद का नाम लिख करके अपनी तरफ से छपा सकते हैं। विभाग छपाएगा, मैंने देखा छपाने के बाद भी बढ़ते नहीं है पैम्पलेट, पड़े रहते हैं। ये एक जनरली लोगों की शिकायत रहती है। खुद छपाएंगे तो मैं समझता हूँ ज्यादा इंटरेस्ट क्लियर होता है कि खुद ने छपाया है तो फिर वो बटेगा भी ढंग से बटेगा। तो दो फायदे हो गए, खुद छपाए लोगों लगेगा कि ऐसे वक्त में हमारे जनप्रतिनिधि साहब, सरपंच साहब या जो भी है वो चिंतित है और पैम्पलेट छपा के बांट रहे हैं, घर घर के अंदर बांट रहे हैं, और इसका ये बीमारी रोकने में भी बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें आप लोग कौन से तरीके से भी होर्डिंग लगाने की बात है, DPR से मैं कहना चाहूंगा कुछ होर्डिंग लगवाएं गाँव के अंदर, सलाह देने के हिसाब से भी क्या क्या उनको सलाह दी जाती है वो आप देख सकते हैं। सफाई की बात और एक दफनाने की बात, दफनाने के लिए कई हमारे साथियों ने कहा है कि दफनाने के लिए कई लोग विरोध भी करते हैं, इसके लिए कोई गाइडलाइन जारी हो जाए जिला कलेक्टर को और वो आगे गाइडलाइन जारी कर दें जिससे कि दफनाने में तकलीफ नहीं आए। ढंग से दफनाना भी मैं समझता हूँ कि ऐसे महामारी के वक्त में बहुत जरूरी होता है, और साथ में सफाई भी, मच्छर मक्खियाँ बैठती है तो उससे फैलता ही रोग, अगर साफ सफाई रहेगी तो मच्छर मक्खियाँ भी कम होगी। स्प्रे कैसे हो, फॉगिंग कैसे हो, JCB का प्रबंधन कितना हो सकता है, जहाँ जहाँ हर ब्लॉक में जरूरत नहीं होती है पर जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ मैं समझता हूँ जिला प्रशासन को, कलेक्टर साहब को चाहिए JCB का प्रबंधन करें और उसी रूप में इसको काम में लेवे। और राठौड़ ने उन्होंने दिया था सुझाव, 3-4 पंचायतें मिलकर के एक JCB हो सकती है, तो अच्छी बात है, इस प्रकार से हम लोग इस काम को बढ़ा सकते हैं। सरकार ने नंदी सामर्थ्य खोलने का निश्चय किया तो आप सोच सकते हो सरकारी मंत्रा गोवंश को बचाने की रही हमेशा। देश में पहला राज्य राजस्थान होगा जहाँ पर हमने गौशालाओं के लिए, गाय माता के लिए हम लोगों ने पहले बनाया, डायरेक्टर बनाया, अब उसको विभाग का रूप दे दिया, और 6 महीने के बजाय 9 महीने का अनुदान देना मैं समझता हूँ बड़ा निर्णय था। गौशाला प्रबंधक बहुत खुश है इससे, ये मुझे इस बात का मुझे एहसास है, वो भी इस काम में लगे होंगे। मैं समझता हूँ कि सब मिलकर के इसको हम लोग बुलाएं तो अच्छे बैठे हैं, इनके सामने घोषणा की थी आपने प्रोग्राम के शिखर में, दिनेश गिरी जी महाराज जी बैठे हैं फतेहपुर गौशाला में, भी फतेहपुर गौशाला चलाते हैं, तो इनके सामने हमने घोषणा की थी 6 महीने से 9 महीने की, इनका आग्रह भी था, विशेष रूप से इनका आदेश भी था, तो मैं समझता हूँ कि वो उनका आदेश माना गया और 9 महीने घोषणा करना बड़ा निर्णय था, वो किया गया। रामचंद्र भगवान जो अजमेर के हैं उन्होंने जो वैक्सीन की व्यवस्था की उसके लिए धन्यवाद, और मैं उम्मीद करता हूँ कि डेयरी फेडरेशन और डेयरी की जो इकाई है डिस्ट्रिक्ट की, इनकी इनकी वैक्सीन का कर्तव्य भी है क्योंकि इनका सीधा संबंध पशुपालकों से है और उनके आधार पर इनकी डेयरी चलती है, तो उनको बड़े रूप में आगे आना चाहिए, बड़े रूप में आगे आना चाहिए, और उसी रूप में मैं समझता हूँ कि इसको इस संकट की घड़ी के अंदर कितना वो कर सकते हैं वो कम है, वो सब काम मैं समझता हूँ कि डेयरी वाले कोई कमी नहीं रख रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि वो पूरी तरह लगे होंगे उस काम को भी निभाएंगे और पूरी तरह करेंगे, तो हम सब मिलकर के ये जो महामारी आ गई है लंपी के नाम से, कभी सुना नहीं था पहले नाम, अब इसको सब मिलकर मुकाबला करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि करीब 20 जिलों में फैल चुकी है, कम उबेश राजस्थान में और 7 राज्यों में फैल चुकी है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको अपन सब मिलकर के मुकाबला करके इसमें कामयाब होंगे। आप सब बता रहे हैं, आप आपने वक्त दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से सरकार की जो व्यवस्था है, जो प्रबंधन है, धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। पहले हमने कहा जो कोरोना काल में नहीं आने दी, तो आप समझ सकते हो कि ये लंपी स्कीम उसके मुकाबले में धन खर्च करने के अंदर तो मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि वो तो कोरोना था जहाँ दवाइयाँ 40,000 रुपए के
इंजेक्शन भी फ्री में लगे राजस्थान के अंदर। राजस्थान एकमात्र राज्य था जिसने दवाएं फ्री रखी, पूरा इलाज फ्री रखा। बाहर के राज्यों के कई लोग आके यहाँ इलाज करा के गए हैं। तो इलाज के मामले में तो जो चिरंजीवी योजना लेके आए हम लोग, वो भी आपको मालूम है कि आईपीडी ओपीडी सब फ्री हो गई है। और जिस रूप में बड़े रूप में वो पूरे प्रदेशवासियों को मिला है, इंश्योरेंस 10 लाख का मिला है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट का अलग से उसमें व्यवस्था की गई है। अगर ऑर्गन प्लांट के किसी घर परिवार में नौबत आ जाए, लिवर ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट या और कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट, उसका खर्चा 10-12-15 लाख जो भी होगा वो आपको 10 लाख के अलावा मिलेगा। इतनी बड़ी वो योजना है जिसको आपको समझना क्या है। योजना इतनी शानदार है कि आपको पूरा इलाज ऐसा हिंदुस्तान में क्या मेरे ख्याल से बाहर के मुल्कों में नहीं होता होगा कि पूरी तरह इलाज फ्री कर दिया गया राजस्थान के अंदर। 5 लाख का एक्सीडेंट का बीमा साथ में कर दिया गया है। एक्सीडेंट का मतलब खाली मोटर एक्सीडेंट नहीं है। अगर आपके बच्चे को डूब गया, अभी पानी में डूब गए कई बच्चे बरसात के अंदर, वो तो 5 लाख रुपए मिले हैं वहां पर, उसी चिरंजीव योजना के अंतर्गत मिले हैं। इस प्रकार से हम सब महिलाओं को 1,35,00,000 महिलाओं जो उनके हर फैमिली के हेड है उनको हम स्मार्टफोन भी दे रहे हैं, जिससे कि उनके बच्चे भी ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। और भी जो उपयोग होता है गूगल्स के अंदर, आजकल बच्चे बड़े होशियार हैं, देश और दुनिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कोई परिवार पीछे नहीं रहे। मैं समझता हूँ तमाम तरीके से जो फैसले किए हैं सरकार ने वो बहुत मौजूद है। और मैं अभी लंपी वायरस की बात हो रही तो मैं इतने कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ कि मुझे विश्वास है कि आप लोग कोई कमी नहीं रखेंगे। सुझाव को देना चाहें क्योंकि टाइम कम था तो आप लिखित में भेज सकते हैं, यहाँ पर 181 में बता सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो हम लोग उन सुझावों को देख करके आगे कार्रवाई करेंगे। यही बात कहते मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत आप लोगों का दिनेश गिरी जी धन्यवाद देंगे। दिनेश गिरी जी सीकर से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं अनुरोध करूंगी कि वो अपनी बात बताएं। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सबसे पहले आज 15 अगस्त की सबको बधाई, और मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से कोविड के समय में राजस्थान सरकार ने कोविड का एक मॉडल भीलवाड़ा के नाम पर दिया था, वैसे ही राजस्थान इस महामारी में राजस्थान सरकार वो अपना रूप दिखाने जा रही है। और मैं एक जो हम कार्य कर रहे हैं फतेहपुर में, जो भी मॉडल ही एक तरीके से बन रहा है, उसको आप थोड़ा सुनेंगे तो ये पूरे राजस्थान में अपने काम आएगा। प्रशासन के सहयोग से, एक लैपटॉप के सहयोग से, जिला प्रशासन से लेके तहसील प्रशासन के सहयोग से हमने एक फतेहपुर में एक कॉल सेंटर का नंबर जारी किया है, और उस नंबर पे जैसे ही सूचना आती है किसी भी गोमाता के इस इफेक्ट में, तो मात्र 10 से 15 मिनट में वहां हमारा गोभक्त अथवा जो LSA कर्मचारियों पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद में उसकी स्थिति बताते हैं वास्तव की, उस गोवंश की कैसी स्थिति है। सेंटर पे लाने की है तो तुरंत एम्बुलेंस जाती है और उसको लेकर के आती है, और प्राथमिक इलाज की आवश्यकता है तो मोबाइल टीम बनी हुई है, मोबाइल टीम वहां जाकर के उसका इलाज करती है। तो जैसे फतेहपुर में सीकर जिले का जो मॉडल बन रहा है, इस तरीके से गोभक्त और जनप्रतिनिधि अथवा प्रशासन के सहयोग से इस कार्य में हम लगेंगे तो मैं मानता हूं कि बहुत जल्द ही इस महामारी पे अपन कंट्रोल कर पाएंगे। हमारा मानना है कि फतेहपुर तहसील में इस समस्या को हम 10 से 15 दिन में खत्म कर देंगे, ऐसा हमारा मानना है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमने क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं, जो निराश्रित गोवंश है वो कम से कम इफेक्ट हो, इसके लिए जो इफेक्ट गोवंश है उसको कैसे एक स्थान पर रखा जाए। गांव में जैसे नंदीशाला साणशाला होते थे, वहां अन्य वार्डों में हम रख रहे हैं। इसलिए सरकार का पूरा सहयोग है, जनप्रतिनिधि पूरे लगे हुए हैं, और जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने, मुख्यमंत्री जी महोदय ने गो माता की सेवा के लिए पूरे भारत में पहली बार स्थायी व्यवस्था किसी भी कार्य की है, उसको देख करके हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि ये जो समस्या है ये भी बहुत जल्द खत्म होगी। हमें बहुत अच्छा लगा कि गो माता की जो समस्या है विकराल रूप धारण करने से पहले ही सरकार सचेत ही नहीं हुई, निचे स्तर तक के कर्मचारियों तक का इसका निर्देशित किया और चला करके मेरे पास SDM साहब और हमारे स्थानीय विधायक महोदय, और अब जब मैं आया तो कलेक्टर साहब ने भी हमें कहा कि हमें आपका सहयोग चाहिए। ये सुनकर के हमें बहुत ही ज्यादा मजबूती मिली है, और हमें ऐसा लगा है कि काम गोमाता का है, मतलब हम गोभक्तों का है, लेकिन प्रतिनिधि और प्रशासन व सरकार जिस तरीके से सहयोग मांग रही है, इससे सरकार की एक जो सक्रियता है वो भी झलक रही है। इसलिए अंत में और कम शब्दों में
में मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार इस कार्य को लेकर के राजस्थान सरकार पूरी सक्रियशील है। अंत में ये मेरा भाव रहेगा कि महामारी वाला जो विषय है तो हम केंद्र सरकार से हम भी आग्रह करेंगे और आप भी करेंगे इसको महामारी घोषित किया जाए। साथ में ही हमारे शासन सचिव पशुपालन जो पी सी किशन साहब है उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि मेरे पास पिछले 3 दिनों में 10 बार उनका कॉल आ गया, मुझे आश्चर्य हो रहा है 10 बार मुझे कॉल आ गया, कॉल करके हमें समझा रहे हैं कि इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से काम करना है कि छोटी बात नहीं है। हमारे जैसे छोटे से कार्यकर्ता गोवक कार्यकर्ता के पास इतने बड़े अधिकारी का फोन आकर के बार बार बताना हमें बहुत ज्यादा इसकी संवेदनशीलता झलकती है सरकार और प्रशासन की। तो खूब खूब धन्यवाद इसके लिए और राजस्थान गो सेवा समिति सरकार के साथ इस समस्या से निजात पाने के लिए कंधे से कंधे मिलाकर के लड़ने के लिए नहीं, हम ये कहेंगे हम आगे इसमें रह करके काम करने के लिए तैयार हैं और हम बहुत ही जल्द जैसे सीकर में और फतेहपुर हमने कॉल सेंटर का नंबर जारी किया है वैसे ही पूरे राजस्थान में हम ऐसा सोचते हैं कि इसका कॉल सेंटर नंबर जारी करेंगे। तो जैसे 108 पे जैसे ही सुविधा होती है वैसे ही इसकी सुविधा होगी। हमने जो सीकर में जारी किया फतेहपुर में वो 9340400015 ये नंबर है, इस नंबर पे जैसे ही सूचना आती है 15 मिनट में हम पहुंचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का और आपने तो इस अभी वाली जो सरकार इसमें सबसे पहले बिना आग्रह के जो 16 से 32 अनुदान था गोमाताओं का उसको बढ़ा करके आपने 20 से 40 किया बिना आग्रह के, ये बहुत बड़ी बात है। और अभी जो कुछ समय पहले चारे के भाव बढ़ने की जो परिस्थितियां बनी और हमने जो आग्रह किया निवेदन किया उसमें स्वयं मुख्यमंत्री जी महोदय जी आप पधार करके गोविंद सिंह जी डोडासरा जी स्वयं पधार करके वहां उसकी घोषणा की, ये मुझे लगता है कि आजाद भारत में अपने आप में ये ऐतिहासिक घटना थी। हम इसको बहुत बड़ी वो स्थिति मानते हैं कि सरकार ने मान लिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मानती है, लेकिन सरकार मानने के बाद वहां गो भक्तों के संतों के पास जाकर के पूरी सरकार कैबिनेट जाकर के उस कार्य का स्वयं घोषणा करती है, ये दर्शाता है कि पूज्य वेद लक्षणा गोमाता के लिए सरकार कितनी संवेदनशील है। प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, मारवाड़ी में जो कुआवत है घी डोला जो को मुंगा में छानू कौन रहे, ये शाश्वत आपने किया, इसके लिए खूब खूब आभार धन्यवाद। और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये जो समस्या आई है इसको बहुत ही जल्द हम सब मिलकर के और मुक्ति दिलाएंगे, नष्ट करेंगे। धन्यवाद, जय गोमाता। धन्यवाद सबका, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। तो भी आपको हम दिखा रहे थे लाइव किस तरह से सीएम अशोक गहलोत यहाँ पर बैठक ले रहे हैं तमाम विभाग के अधिकारियों के साथ, जिसमें खास तौर पर उन्होंने लंपी वायरस को लेकर बातचीत की है। लंपी वायरस की रोकथाम को लेकर उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं और ये भी जानने की कोशिश की है कि राजस्थान के किन किन जिलों में लंपी वायरस का असर सबसे ज्यादा है।